पूजा सिंघल जैसे जैसे लाखों लोग झारखंड के लूटने का काम करते हैं इसी पंचायत चुनाव के माध्यम से। ये सरकार नहीं है, ये दिक्कू हैं, लुटेरा हैं। पूजा सिंघल भर एक आईएएस नहीं है, यहाँ सैकड़ों लाखों आईएएस हैं। यहाँ पर ना तो मुख्यमंत्री कामयाब है, ना देश की प्रधानमंत्री को भी कहूँगा कि ये कामयाब नहीं है। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि आप जनता का लुटाई कर रहे हैं, किस तरह से कुटाई कर रहे हैं, किस तरह से आप उनका हक अधिकार को लूट करके आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका प्रमाण देख लीजिए पूजा सिंघल। और ये केवल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत, मैं हूँ सोनू कुमार पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समीप, जहाँ पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर लोग बैठे हुए हैं। 30 दिन हो गया, 1 मंथ हो गया और ये लोग बैठे हुए हैं अभी तक। इनका तो यहाँ पे बहुत लोग आके बैठ के चले गए, लेकिन पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो गए जैसे कि सारे लोग हैं, उन लोग का मांग तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये लोग भी बैठे हैं, हम अपने सहयोगी से बोलेंगे थोड़ा आगे आइए, और इनसे हम जानेंगे कि अभी 30 दिन हो गया, अभी तक तो कुछ क्या हुआ अभी तक? ये झारखंड में किसी का मांग पूरा हुआ है क्या आज तक? जब से आप किस उम्मीद पर बैठे हैं, आपका फिर कैसे पूरा होगा? हम पूरा करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो हमारे यहाँ जो अतिक्रमण किया है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए बैठे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ की सरकार या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं ना। आप बताइए, आपके घर में कोई अगर गुंडा घुस जाएगा आप क्या करिएगा? उसे हाथ पकड़ के माफ़ी मांगिएगा, भैया हमारा घर छोड़ दो? हम लोग उसको प्रेम से समझा रहे हैं, हमारा पूर्वज है, हमारा संरक्षक है राज्यपाल। राज्यपाल को हम लोग शायद सो रहे होंगे, कितना दिन से सो रहे हैं, वो जगह है नहीं पता, उनको कह रहे हैं कि हमारा गार्जियन आप हैं, हमारा क्षेत्र में अतिक्रमण आप बंद करवाइए, आप खाली करवाइए, चुनाव को रद्द करवाइए, हम लोग कह रहे हैं, लेकिन राज्यपाल समझ नहीं रहे हैं। चुनाव तो अब रद्द नहीं हुआ, चुनाव तो चाट हो गया, चुनाव तो अब तो वही रद्द होने वाला है नहीं। यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आदिवासियों के पक्ष में, आदिवासियों की मुखौटा पहने हुए राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जो आदिवासी हित की बात करता हो, उनका हम लोग मुखौटा देख रहे हैं कि हमारा पूर्वज जब हमको आदिवासी स्वशासन की व्यवस्था दिया, जो भारतीय संविधान में लिपिबद्ध है, इस चीज़ को लागू ना करके हमको विकास के अलग अलग ढोंग रचते हैं ये लोग, तो फिर इनका क्या करना है नहीं करना है, पंचायत चुनाव करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। 10 साल जब पंचायत चुनाव हुआ, क्या उसमें विकास का 1% भी, 1 इंच भी कहीं पर विकास हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा पत्रकार बंधु कि अभी देखिए आप, फिलहाल में पूजा सिंघल को आप देखे ना, पूजा सिंघल जैसे जैसे लाखों लोग झारखंड के खनिज संपदा, यहाँ के नौकरी में, यहाँ के व्यवसाय में, यहाँ की सरकारी जितना भी योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, इसको हम लोग को विकास का मुखौटा दिखा के ये लोग सिर्फ लूटने का काम करते हैं इसी पंचायत चुनाव के माध्यम से। तो ये लोग बंद क्यों करेंगे, ये लोग रोकेंगे क्यों? जब आपने पूजा सिंघल मामला आप उठाए, तो इसमें आप किसको दोषी कर रहे हैं? व्यवस्था का दोषी है। पूजा सिंघल भर एक आईएएस नहीं है, यहाँ सैकड़ों लाखों आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उसमें न्यायपालिका के लोग भी मिलीभगत हैं। अभी आपको पता होना चाहिए, हम लोग कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी हम लोग मामला को ले गए थे कि पंचायत चुनाव ना हो शेड्यूल एरिया में, लेकिन 1 साल से उनका भी तो अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, उनका भी समय नहीं पहुंचा। पंचायत चुनाव बीत जा रहा है लेकिन उनका आज तक उनको मौका नहीं मिला। तो झारखंड के हित में कौन देख रहा है, कौन करेगा, ये चिंता का विषय है ना। सुनिए, भाजपा की सरकार थी ना, उस वक्त भी इनके ऊपर करप्शन का दाग लगा था, और क्लीन चिट भी रघुवर दास ने दिए थे, और फिर ये सरकार भी उनको गोद में बैठा दी। अब वो ऐसा, उनके पास क्या ऐसा जादू है जिसका कारण क्या हो सकता है? आप लोग समझ सकते हैं कि जिसकी सरकार बनती है, चाहे पक्ष की चाहे विपक्ष की, सब सरकार में राज भोगते ही है वो, और वो भर नहीं भोग रही है, वो तो एक मुखौटा के रूप में सामने आए। उनके पीछे का बैकग्राउंड देखिए ना, उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है जो दीमक की तरह पूरे झारखंड भर नहीं, पूरे देश में लगल पड़ गया। मतलब
झारखंड की जो स्थिति है, लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा है। अब हमको ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये विधायक बनेंगे, ये मुखिया बनेंगे, ये सब जो हम लोग प्रैक्टिकल करते आए ना, ये सब बंद करना होगा, क्योंकि ग्राम सभा ही समस्या का समाधान है। आपका तो ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री और ये लोग नहीं चलाए, हम लोग अकेले ही राज को चला लेंगे। देखिए, आप मुख्यमंत्री क्यों चलाएंगे, उनका ये एरिया नहीं चलाना है भाई। आप समझिए कि रूढ़ी प्रथा जो व्यवस्था थी हमारे पूर्वजों का, इसमें चुनाव प्रक्रिया नहीं है, सीधी बात है। तो इसमें मुख्यमंत्री का जो एरिया है, उस एरिया को मुख्यमंत्री चलाएंगे। चूँकि मुख्यमंत्री का एरिया ही कौन सा है, या पूरा झारखंड ही है ना? आपको पता होना चाहिए कि पांचवी अनुसूची क्या है। भारत के संविधान के भीतर एक संविधान, भारत के भीतर झारखंड है, और झारखंड के भीतर आपको 13 जिला पूर्ण रूप से और 3 जिला आंशिक रूप से है, तो 16 जिला मान के चलिए। तो उसमें से पूरा पूरी हम अगर देखें तो 13 जिला मान के चलिए, 3 जिला कहीं कहीं एक प्रखंड एक पंचायत ऐसा है। तो इसको छोड़ के ये शेड्यूल एरिया पड़ते हैं, इसमें मुख्यमंत्री का नहीं चलता है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण नहीं है, मतलब इसमें तो ब्लॉक होना ही नहीं है, डीसी होना ही नहीं है। उनका एरिया कौन है, आप बोले कि वो अपना एरिया में काम करते, उनका एरिया है कौन? बाकी एरिया हुआ ना, बाकी कौन? जैसे आपको जनरल क्षेत्र हो गए, हजारीबाग रामगढ़ एरिया, जो पाँचों अनुसूची शेड्यूल एरिया से हट के जो जिला है ना, उसमें वो स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारे यहाँ आदिवासियों के हाथ में शासन और नियंत्रण है, ये चीज़ है, उस व्यवस्था से नहीं है। यानी वो व्यवस्था जो है, अब जिस व्यवस्था में मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, तो आज जनता त्रस्त है। हर गांव में हाहाकार है, बलात्कार है, नशा है, शिक्षा विभाग आपका लाचार है, हर विभाग, मतलब सरकार का जितना भी विभाग है, कोई भी विभाग के लोग अगर संतुष्ट हैं तो हम तो बेहिचक कहेंगे कि ये व्यवस्था आपकी ठीक है। लेकिन आपके एरिया में, हमारे एरिया में 16 जिला जो अनुसूचित जिला है, इसमें आपका नहीं चलना है। इसको आप खुल के प्रेम से इसको आप दे दीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। इनका कहना है कि सब लोग लाचार है, पूरा राज्य लाचार है, और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। और कितना दिन आप धरना बैठिएगा? ये धरना हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए तैयारी कर चुके हैं, अगर ये समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। ये इससे ही तो सब पता चलता है कि ये कितना मानवतावादी विकासधारा को लेकर के चलने वाले हैं। एक तरफ से बड़े बड़े हुडिंग लगाते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाई, विकास अगर है, सबका साथ है, तो इस बुरे स्थिति में, कड़कड़ाते धूप में, अगर कोई यहाँ पर मजबूर है बैठने के लिए, तो उसको पूछने वाला कौन हो सकता है? क्या हुडिंग लगा देने से या स्लोगन दे देने से विकास की पैमाना तैयार हो जाता है? मैं यही समझ में नहीं आता है मेरा कि आखिर ऐसा क्यों, ये सौतेला व्यवहार ही आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर ना तो मुख्यमंत्री कामयाब है, ना देश की प्रधानमंत्री को भी कहूँगा कि ये कामयाब नहीं है। अगर एक तरफ से आलीशान महल बना करके शीश महल में रहने के लिए लोग अपने आप को चांद तक पहुँचने के लिए ऐसा रणनीति बनाते हैं, ऐसा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, और एक तरफ लोग रोड में खुले आसमान में अपना हक अधिकार के लिए गिड़गिड़ाते हैं, ये कहां तक का उचित है? और ये कैसा भारत है? ये कहते हैं कि मैं पूर्ण रूपेण भारत को सोना का चिड़िया बनाने के लिए तत्पर हूं मैं। तो भाई, सोना का चिड़िया कहां पर बनेगा कि लोग कटोरे लेकर के रोड पर भीख मांगेंगे? हेमंत सोरेन पे अभी जो आरोप लग रहा है खनन विभाग मामले में, उस पर आप क्या कहेंगे? ये हेमंत सोरेन खनन विभाग में आरोप लग रहा है तो गलत करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति हैं आरोप लगेंगे, चाहे मंत्री हो या कोई IAS अफसर हो। आपको गलत करने के लिए किसने आपको सलाह दिया? सबसे बड़ी बात है कि आपको गलत करने के लिए सलाह किसने दिया, और आपने गलत क्यों किया? आप एक तरफ कहते हैं कि मानवता के लिए, हम यहाँ की जनता के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम अपने आप को तत्पर रखेंगे 24 घंटा, तो दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि आप जनता का लुटाई कर रहे हैं, किस तरह से कुटाई कर रहे हैं, किस तरह से आप उनका हक अधिकार को लूट करके आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका प्रमाण देख लीजिए पूजा सिंघल। और ये केवल नहीं है, ये तमाम जितने भी आप आज तक देखे होंगे ऐसे जितने भी हैं, वो सब तो किए ही हैं। साथ साथ में अगर इसका सही ढंग से खंगालने का कोशिश किया जाए तो पता चल जाएगा कि एक लाइन से कितने लोग हैं। ये एक चैनल बना हुआ है, एक कड़ी बना हुआ है, उसी में से बीच में कहीं कहीं पर कट जाता है थोड़ा सा, तो वो सामने में आ जाता है। बाकी सब ट्रेन का जो चैनल है ना,
एक दूसरे से जुड़ा हुआ उसी तरह से ले कर जाने के लिए चैनल बना हुआ है, और नीचे ग्राम से लेकर के सीधा केंद्र तक चैनल बना हुआ है। सब मिली भगत है। बिल्कुल सब मिली भगत हैं। अगर मिली भगत नहीं होते तो आज हमारे साथ में हमारे इस बुजुर्ग लोग को कम से कम उनको तो याद करके यहाँ पर पूछने के लिए आया होता तो समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ तो उनके अंदर में मानवता का है, उनके अंदर में दिल है जो दर्द महसूस करता है। लेकिन ये समझ में कभी नहीं दिखा हमको, ये तो साफ साफ निरंकुशवादी शासन करने के लिए बैठे हैं। अब क्या कहना क्या चाहिएगा सरकार से, फिर लास्ट में क्या कहना? सरकार कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप? झारखंड सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? आपका किस सरकार से मांग है? मुझे कोई सरकार को दे पाने का दिखता नहीं है कि सरकार देने के लिए कोई सक्षम है ही नहीं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। क्योंकि जो संविधान में जो दर्ज है उसको केवल चालू करने के लिए, केवल एक शब्द बोलने के लिए उनके पास में हिम्मत नहीं है, तो और इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य कह सकते हैं। ये सरकार नहीं है, ये दिक्कू हैं, लुटेरा हैं, ये लूटने के लिए सारा तंत्र बना करके, योजना बना करके बैठे हुए हैं। ये नहीं हो सकते जनता की सेवक, सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए एक सीढ़ी बनाया हुआ है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।